This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफेल के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफेल्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 60 मई 2024 को साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेस्तरां बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फ़ोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे।
स्लेन रिश्ते के बारे में गुमराह और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है, इससे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती किसी भी नकारात्मक प्रिंस से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता ख़त्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरेक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलटंटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकानों दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्माति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का
स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं, शैली की सुनहरे दिन है, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल श्वार्ट्जर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन की द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्री स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पारक किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 60 मई 2024 को साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की सतह से हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे अन्य महिलाओं के संबंध में
अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गेस कम्प्लीट करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे। और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साज संपन्न बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में गुमराह और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इससे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थी। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती किसी भी नकारात्मक प्रिंस से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरेक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलटंटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकानों दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 6.5/10। वेबसाइट की सारे सम्माति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक
रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटा क्रिटिक जो एक भारत अवसर का उपयोग करता है ने 3.5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं शैली की सुनहरे देने, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदर डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी, जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पारक किया, जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है, जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते, लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फ़ोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए
उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है। जावेद शख्स करते हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। सुलेन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और ईजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान सुलेन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैश की तरह उन्हें एक गेस कम्पीट करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे। और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। सुलेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने सुलेन के रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इससे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई जिससे सुलेन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। सुलेन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती किसी भी नकारात्मक प्रिंस से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता ख़त्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकानों दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था।
इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई, और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है, 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं, शैली की सुनहरे दिन है, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी, जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है, और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया, जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है, जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका प्रोफ पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है, जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं।
यह सोचने के बाद कि एक रेस्तरा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते, लेकिन स्लोन उसे झिड़क देते है। हैस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है, जहाँ वे सेक्स करते। हैस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और ईजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस के दौरान उन्हें एक गेस कम्प्लीट करना एक रणनीति थी, जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे। और हैस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल, जिसने स्लोन के रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है, इसे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हैस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में ईजी को लेने के लिए जाती तो ईजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हैस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती, किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हैस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल खत्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हैस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरेक हैस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडम एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चो की अक्टूबर 22 में जर्जियो की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकानों दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 22-4 को जारी किया गया और
सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1 to 5 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ बाय साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 आलोचकों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई, और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है, यानी 3/5 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं, शैली की सुनहरे दिन है, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी, जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है, और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया, जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है, जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है।
उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है, जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती है। यह सोचने के बाद कि एक रेसंतरा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते, लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है, जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और ईजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैश की तरह उन्हें एक गेस कम्प्लीट करना एक रणनीति थी, जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे। और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल, जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है, इसे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है, जहाँ हेस काम कर रहा है, और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती, किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल खत्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया, और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडम एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चो की अक्टूबर 22 में जर्जियो की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकान दिसंबर 22-3 में अमेज़न प्राइम वीडियो, जिसने
फिल्म की वितरण अधिकार हासिल किए। अपनी 24 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 6.5/10। वेबसाइट की सारे सम्माति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई, और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है, 3.5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं, शैली की सुनहरे देने, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी, जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है, और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया, जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है, जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका प्रोफ पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश करती है जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
हालांकि स्लो जो है से स्लो का साल बड़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोह भंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है, जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेस्तरा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते, लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है, जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और ईजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैश की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी, जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे। और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल, जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है, इसे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है, जहाँ हेस काम कर रहा है, और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती, किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल खत्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटते हैं, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया, और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरोन हॉल
और उन हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडम एंथोनी, रेमंड चॉम, विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म आकार दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो, जिसने फिल्म की वितरण अधिकार हासिल किए, अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ बाय साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्माति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटा क्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं, शैली की सुनहरे दिन है, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी, जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जिन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2018 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्ट फेथ है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया, जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ बाय साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है, जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका प्रोफ पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था।
वीआईपी क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश करते जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की सतह से हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बड़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है, जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते, लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है, जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और ईजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी, जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे। और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल, जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है, इसे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थी। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल खत्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटते हैं, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयफ्रेंड ऑन द प्लैनेट ने
पेरिनेट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रुबिन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एडी मुमोलो, रीड स्कॉट पेरी, मैट फेल्ड और जडन अरोन हॉल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी, रेमंड चर्म, विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म कानून दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म की वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने लिखा सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं शैली की सुनहरे देने लेकिन किया उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदर डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जिन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोवन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और
तलकसुदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका पूर्व पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कोचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयबैंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की सतह से हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बड़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे, और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इसे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती। किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हर एक
लियरिक हेल्स बेली होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 22 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सीवाल्टर को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस की गैली ट्रिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एडी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियो की अटलांटा स्वारा और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म कानून दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म की वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं शैली की सुनहरे देने लेकिन किया उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदर डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जिन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से
2022 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्मारक किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोवन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कोचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयबैंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की सतह से हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इससे उसके बारे में सवाल करते हैं लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती। किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का
उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटते हैं जहाँ वे एक अतृप्तपूर्ण पुनर्मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरह चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरेक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टर को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एडी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरोन हॉल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म कानून। दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने लिखा सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं शैली की सुनहरे दिन है लेकिन यह उस दृश्यों से कहीं बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफेल्ड के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस के गैली टर्जिन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और
गोब्रियल यूनियन की द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तो वेस्ट फेथ है थ्री स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पारक किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 16 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोवन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही जबकि उसका पूर्व पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कोचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयबैंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की सतह से हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेस्तरां बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में गुमराह और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इससे उसके बारे में सवाल करते हैं लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती। किसी भी नकारात्मक प्रेम से बचने के लिए
वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा रहे थे। डैनियल ने स्लोएन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोएन फिर से रिश्ता ख़त्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद वे 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजेलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेली होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरोन हॉल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलटंटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकानों दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्जियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं शैली की सुनहरे देने, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो
इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन वाला नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू 1824 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल स्वाल्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफेल के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन की द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तो वेस्ट फेट है थ्री स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पारक किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 60 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोवन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कोचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की सदस्य हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में गुमराह और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इससे उसके बारे में सवाल करते हैं लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो
इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है लेकिन अपनी माँ को माफ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती किसी भी नकारात्मक प्रिंस से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है जहां वह लॉस एंजेलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेली होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरोन हॉल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलांटा स्वाना और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म मकानों दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और सांस लेने का प्रबंधन करते हैं ना कि उसके साथ आने वाली छोटी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं शैली की सुनहरे देने लेकिन किया उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदर डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे।
दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल श्वार्ट्जर ने किया है, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्री स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पार्क किया जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 60 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोवन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेसंद्रा बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को साथ संबंध बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में गुमराह और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है इससे उसके बारे में सवाल करते हैं लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह
और है एक साथ ही। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती, किसी भी नकारात्मक प्रिंस से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजेलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरिक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में। जून 2021 में यह पता चला कि जेनिफर वेस्टफेल्ट ने उपन्यास को अनुकूलित किया था और एनी हैथवे को निर्माताओं में से एक के रूप में काम करते हुए मुख्य भूमिका में लिया गया था। अगस्त 22 में माइकल सिवाल्टन को निर्देशन के रूप में पुष्टि की गई। अगले महीने निकोलस के गैलिटिजिन को द हॉटेस्ट बॉयब्रेन ऑन द पेरेनिट ने पेरेनिट के मुख्य गायक के रूप में शामिल किया गया और अक्टूबर में अला रूबेन को हैथवे की बेटी की भूमिका निभाने का पता चला और वह प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हो गई थी। उसी महीने एनी मोमोलो रीड स्कॉट पेरी मैट फेल्ड और जडन अरुण हाल की कलाकारों के साथ साथ जेडन एंथोनी रेमंड चॉम विक वाइट और डकोटा एडम की बेटी बॉकी बैंड गैली टर्जिन के रूप में शामिल होने का पता चला था। मोर्चों की अक्टूबर 22 में जर्जियों की अटलटंटा स्वारा और आसपास के क्षेत्रों में फिल्म कानून। दिसंबर 22-3 में अमेजन प्राइम वीडियो जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए ने अपनी 22-4 के मूल प्रोग्रामिंग स्लेट में फिल्म के से एक विशेष जारी चित्र जारी किया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 6 मार्च 2024 को जारी किया गया और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्मों पर इसे 1.25 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। किसी मूल फिल्म का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर बन गया। फिल्म का विश्व प्रीमियर साउथ वेस्ट में 16 मार्च 2024 को समापन रात्रि फिल्म के रूप में हुआ था। इसे 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो की मूल फिल्म के रूप में रिलीज किया गया था। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज को 160 अनुष्कों से में से 83 समीक्षाएं सकारात्मक, जिनकी औसत रेटिंग 6/10। वेबसाइट की सारे सम्मति में लिखा कि द आइडिया ऑफ यू एक स्वागत युवा अनुस्मारक की प्रदान करता है कि एनी हैथवे पूरी तरह से अंधकायक रोम कॉम लीड बनी हुई और पुष्टि करती है कि कुछ फिल्म निर्माता इस शैली को माइकल स्लेटर से बेहतर समझते हैं। मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने 3/5 अनुष्कों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। द गार्डियन के बेंजामिन ली ने लिखा, सॉल्टर द आइडिया ऑफ यू को उसके बाद आने वाली भौरी फिल्म की तरह बनाने और
सांस लेने का प्रबंधन करते हैं, ना कि उसके साथ आने वाली छुट्टी फिल्मों की तरह। यह सब अंत हमें वास्तव में वापस ले जाने के लिए प्रपात नहीं, शैली की सुनहरे दिन है, लेकिन यह उस दृश्यों से कई बेहतर उसकी हमें आदत डालने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप द आइडिया ऑफ यू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। द आइडिया ऑफ यू एक 2024 अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन माइकल श्वार्टर ने किया, जिसकी पटकथा उन्होंने जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लिखी थी, जो रॉबिन ली की इसी नाम की उपन्यास पर आधारित है। एनी हैथवे और निकोलस की गैली टर्जन अभिनीत यह खूबसूरत एकल माँ और एक लोकप्रिय बॉयफ्रेंड बैड की प्रमुख गायक के बीच प्रेम संबंध का वर्णन करती है और नर्मदा की कैथी सुलमैन और गोब्रियल यूनियन के द्वारा 2080 की अंत में उपन्यास के एक फिल्म रूपांतरण की घोषणा की गई थी। 2021 की मध्यम तक वेस्टफील्ड है थ्वी स्वाल्टर और गैली टजेन की भागीदारी की घोषणा होने तक कोई और विकास नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग सिनेमेटोग्राफर जिम प्रोना ने मुख्य रूप से 22 की अंत में जॉर्जिया में की थी। पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान पीटर ट्रेसर ने फिल्म का स्पारक किया, जबकि सिद्धार्थ खोसला ने मूल स्कोर तैयार किया। सावन कुटेजा ने मूल गीतों की रचना और लेखन किया। द इंडिया ऑफ यू का प्रीमियर 60 मई 2024 को साउथ वेस्ट में हुआ और इसे अमेजन MGM स्टूडियो की द 2 मई 2024 को प्राइम वीडियो मूवी फिल्म के रूप में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। स्लोन मर्चेंट एक गैलरी मालिक और तलक सौदा है जो एक एकल कैपिंग की यात्रा की योजना बना रही, जबकि उसका प्रोब पति डैनियल अपनी बेटी इजी और उसके दोस्तों को कुचेला ले जाता है। जब उसे काम पर बुलाया जाता है तो वह उनके साथ जाती है। डैनियल ने प्रेशर बॉयफ्रेंड की अगस्त मून के साथ एक मुलाकात और स्वागत की व्यवस्था की है, बावजूद इसके कि इजी ने उन्हें 7वीं कक्षा कहकर खारिज कर दिया था। VIP क्षेत्र में प्रतीक्षा करते समय स्लोन उस तत्थान में प्रवेश कर दी जिसे वह बाथरूम मानती है, लेकिन उसे पता चला कि यह अगस्त मून की तरह हैस कैप बेल का टेलर है। दोनों जल्दी एक दूसरे की करीब आ जाते हैं। हालांकि स्लोन जो है से स्लो का साल बढ़ी है, उनकी ऑक्शन से असहज है। अगस्त मून के प्रदर्शन के दौरान हेस ने उन्हें एक गीत समर्पित करते हुए शो की सेट लिस्ट को बदल दिया। स्लोन अपने 40वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है, लेकिन अपनी उम्र की संभावित पुरुषों से उसका मोहभंग हो जाता है। उत्सव के कुछ ही समय बाद ऐसे कला खरीदने में रुचि रखते हुए स्लोन की गैलरी में अघोषित रूप से दिखाई देती है। गैलरी में प्रत्येक टुकड़ा खरीदने के बाद स्लोन उसे एक दोस्त के गोदाम स्टूडियो में ले जाता है, जहां वे जीवन और कला पर चर्चा करती हैं। यह सोचने के बाद कि एक रेस्तरां बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, दोनों खाना खाने के लिए स्लोन के घर गए। वे एक चुंबन साझा करते, लेकिन स्लोन उसे झिड़क देती है। हेस अपनी घड़ी पीछे छोड़ देता है। फिर गैलरी इनवाइस पर स्लोन का फ़ोन नंबर ढूंढकर उसे न्यूयॉर्क में शामिल होने के लिए संदेश भेजता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में एजी के साथ स्लोन न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती और उसे उसकी होटल में मिलती है, जहाँ वे सेक्स करते। हेस ने उसे अगस्त मून की यूरोपीय दौरे पर अपने साथ यात्रा करने के लिए मना ली। स्लोन अपने रिश्ते को निजी रखना चाहती और इजी या किसी और को नहीं बताती। फ्रांस के दर्शन में बैंड की छुट्टियों के दौरान स्लोन उनके साथ यात्रा करे। अन्य महिलाओं के संबंध में अपनी उम्र को लेकर असहज हो जाती है। बैंड की अन्य सदस्यों ने उन्हें बताया कि हैस की तरह उन्हें एक गीत समर्पित करना एक रणनीति थी, जिसका उपयोग वे महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहते थे।
और हेस ने पहली बड़ी उम्र की महिलाओं को सास संपन्न बनाए थे। स्लेन रिश्ते के बारे में घुमरा और निराश महसूस करते हुए अचानक लॉस एंजलस लौट आती है। डैनियल, जिसने स्लोन की रिश्ते के बारे में एक दोस्त से सुना है, इससे उसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन वह इस बात से इनकार करती है कि वह और हेस एक साथ थे। इसके तुरंत बाद रिश्ते की खबरें और पंपराजी तस्वीरें ऑनलाइन प्रकाशित की गई, जिससे स्लोन ने दोस्तों और अजनबियों को बड़ा अवांछित ध्यान आकर्षित किया। जब वह कैब में इजी को लेने के लिए जाती तो इजी झूठ बोलने पर क्रोधित होती है, लेकिन अपनी माँ को माफ़ कर देती है। स्लोन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाती है जहाँ हेस काम कर रहा है और वे अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं। सार्वजनिक रूप से डेट करना शुरू करती किसी भी नकारात्मक प्रिंस से बचने के लिए वह और उसका परिवार अपने सोशल मीडिया अकाउंट हटा देते हैं। डैनियल ने स्लोन से एजी पर रिश्ते के प्रभाव के बारे में सवाल किया, जिसने बताया कि उसे इसके कारण स्कूल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब हेस निवार की यात्रा को लौटता है तो स्लोन फिर से रिश्ता खत्म कर देता है, लेकिन वह उसके घर लौट आते और प्रस्ताव करते हैं कि ईजी का स्कूल ख़त्म होने के बाद में 5 साल में अपने रिश्ते को फिर से शुरू करेंगे। वह फिर से अपनी घड़ी उसके पास छोड़ देता है। 5 साल बाद स्लोन हेस को द ग्रॉम नोटस शो में प्रदर्शन करते हुए देखता है, जहां वह लॉस एंजलस जाने की योजना का उल्लेख करते हुए गैलरी में लौटता है, जहां वे एक अतृप्तिपूर्ण मिलन साझा करते हैं। दिसंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि रॉबिन ली के उपन्यास द आइडिया ऑफ यू के एक रूपांतरण को कैथी स्टुलमैन और गैब्रियल यूनियन के निर्माण के साथ विली इंटरटेनमेंट की तरफ चुना गया था। यूनियन और ली जो कि 20 के दशक की शुरुआत से दोस्त ने इस किताब को 2018 में अपनी अब तक की 10 पसंदीदा किताबों में शामिल किया। ली हरेक हेस बेले होप डेने और जुड़ाना मालिक भी काम करते नर्मदा के रूप में जून 2021 में यह पता चला।